जितनी चर्चा योगासन की और बाकी चीजों की चलती है योग की, वो ऐसा बताया जाता है कि दिन में 1 घंटे निकाल लो और कुछ आसने कर लो तो दिन भर आप स्वस्थ रहोगे, फिर दिन भर चाहे आप जैसे चाहे बैठे। जबकि योग तो पूरे समय जुड़े रहने की प्रक्रिया है। आप दिन में कैसे बैठते हैं, अभी आप कैसे बैठे हैं या मैं कैसे बैठा हूं, सांसों की प्रक्रिया क्या है, बैठने में मेरी सांस गहरी है या नहीं है, पोस्चर जो हमारा है वो कहीं आगे झुका हुआ या बहुत पीछे झुका हुआ, आंखें कितनी दूर कंप्यूटर से हैं, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और तुम देखोगे कि जो बहुत सारे ऑफिस में आगे झुके टेबल पे काम करते रहते हैं, उनको धीरे धीरे स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक एक है, लोअर बैक पेन है, स्लिम डिस्क है, ये सारी बीमारियां आती हैं। और डॉक्टरों के पास जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं ये पोस्चर का है। तो सामान्यतः यही कहते हैं ना कि आप बैठते ठीक नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं, हिंदी में कहें तो आसन ठीक नहीं है। मतलब योग कहीं बिगड़ गया था दिन भर कार्य करने। तो आप आरामदेह चीज बनाते जा रहे हैं और बीमारियां पालते जा रहे हैं। तो अगर देखें कि जो पहले वो लोहे वाली सीट पे लकड़ी वाली सीट होती थी, उसमें गद्दी डाल के आप 8 घंटे बैठ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताया जाता है कि 15-20 मिनट आप बीच में घूमें, बीच में ब्रेक करें। तो इन सब चीजों का बहुत सारा असर जो हुआ है और कायदे से दिन भर योग की प्रक्रिया में कहा जा सकता है। इसमें दो चीजें मुख्य रूप से है, एक श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान देना, दूसरा दिन भर बैठने की कुर्सी, प्रकाश की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था और प्राकृतिक हवा के बीच में कितनी कितनी देर में रखते हैं, जिससे कि आप अस्थाई तौर पर वातानुकूलित वातावरण में रह सकते हैं। 60 डिग्री के टेम्परेचर में आधा घंटे रह सकते हैं, ज्यादा प्रकाश में 5-7 मिनट रह सकते हैं। ये सब नियमों का, मापदंड का आपको जो योग में कहा गया है यम नियम, ये उसमें आ जाता है। और आसन आपके दिन भर की टेबल कैसी है, कुर्सी कैसी है, ये एक चीज है। जहां तक हम योग बोलते हैं, जो आज के योगा मास्टर जो नहीं बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण है कि आपके बाथरूम कैसे है। तो बाथरूम जाने में आप जूते पहनते हैं तब भी आपके पैर नहीं धोते, अगर आप लैट्रिन जाते हैं तो कमोड में जाते हैं या भारतीय स्टाइल का लैट्रिन जो है उसमें जाते हैं। कहते हैं कि अगर जानवरों की तरह जाना है तो खड़े खड़े बाथरूम करो और वैसे ही आप मल विसर्जन करें। लेकिन जो लंबी प्रक्रिया की बात आया है पूरी एशिया, वो बैठ के ही ठीक होता है। उससे कम से कम जब पेशाब करने जाते हैं तो प्रेशर से बाथरूम निकलता है और किडनी में अगर छोटे छोटे पत्थर जैसी चीजें हैं तो वो निकल जाते हैं। तो जो भी बैठ के बाथरूम जाते हैं पेशाब करने, उनको किडनी में स्टोन करनी है। और जब लैट्रिन वैसे ही जाते हैं तो पैरों में दबाव पड़ता है जिससे पेट साफ हो। तो बाथरूम कम से कम भारतीय स्टाइल के होने चाहिए। महिलाओं के तो जरूर बैठ के बाथरूम करने की व्यवस्था है, लेकिन पुरुषों के लिए भी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तब आप थोड़ी देर कम से कम बेल्ट खोल के पूरे शरीर में आप देख सकते हैं जिससे हवा लग सकती है और स्टोन की बीमारी तो होगी। और आप जमीन पर बैठने का एक प्रक्रिया में आएंगे, एक आसन में परिवर्तन। ऐसे ही लैट्रिन के मामले में बैठ के जाने का कोई प्रश्न नहीं, जब तक कि आपकी पैर की हड्डी नहीं टूट गई, कूल्हे की हड्डी नहीं टूट गई। तो ये सिंपल पोस्चर और सारी जनता के खराब किए गए और इसको आप आधुनिक में दिखाते हैं, लेविस लग्जरियस बाथरूम, पेट साफ नहीं होगा। बाथरूम भी इतना साफ है कि आप किताबें पढ़ सकते हो, लोग किताबें पढ़ने नहीं लगे। तो बाथरूम किताब पढ़ने के लिए थोड़ी नहीं। अगर आप कुरान में देखो मुसलमानों के बीच में, तो लेटरन और बाथरूम के समय बात करना की मनाही है,
दूसरे भी कहते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं एकांत में जरूरी है और इसमें वार्तालाप ना, लेकिन लोग मोबाइल से बात करते हैं। तो आसन के बारे में दिन भर ध्यान रखने की जरूरत है। और डूज एंड डोंट्स, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान अपनी कंपनी को चलाए रखने के लिए अपने सीक्रेट्स को मेंटेन करने के लिए रखते हैं, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूर करें तो अच्छा। हालत यहाँ तक खराब है कि कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज और उनके डिपेंडेंट को पूरा का पूरा चिकित्सा भत्ता देती है, और जिसमें बहुत सारी हेरा फेरी भी होती है। कई बार डॉक्टरों का, केमिस्ट का, डायग्नोस्टिक सेंटर्स का एक नेक्सस बनता है, लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि दिन भर वो कैसे स्वस्थ रहे, वो बीमारी ही ना पड़े। यहाँ तो डॉक्टर भी बीमार पड़ने लगे तो दूसरों की तो बात ही दूसरी। फिर एक चीज आसन में ध्यान दें अगर, तो जब चीजें खराब हो जाती तो कहते हैं भगवान की ध्यान करो, भगवान के पास बैठो, तो वो भी एक उपासना होती है। आसना मतलब पास बैठना, गुरु के पास, वो उपासना। तब आप जमीन पर बैठते हो, कुर्सी पर नहीं बैठते। कुर्सी पर तो गुरु के सामने बैठना मतलब ये कहा जा सकता है कि ये अभद्र व्यवहार जैसा होता है, लेकिन आज वहां पे ये हो गया कि गुरु जी खड़े होके पढ़ाते हैं और बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि फीस मोटी मोटी होती है और गुरु जी तनख्वाह देते हैं। तो आसनों का और यम नियम का ये जरूरी है। इसके बाद कहीं प्राणायाम पे आएगा जो जरूरी है। तो हम लोग सामूहिक रूप से कैसे कैसे बैठते हैं इसके बारे में डॉक्टर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये चर्चा भी तब होगी जब उनमें पैसे कमाने का मोह कम होगा। अभी तो वही ज्यादा है और वही सब पे हावी है। तो फिर यहां मैं कहूंगा कि उन धार्मिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा कि उनके आने वाले विष्ट कैसे स्वस्थ रहे, घर में, ऑफिस में, समाज, और उसके तहत वो लोग चीजें ठीक कर सकते। फिर इसके बाद जो प्राणायाम की या सांसों की प्रक्रिया के बारे में कि सांस कैसी है, तो तुम देखोगे, अगर अपने ही जीवन को तुम देखोगे तो पाओगे कि जब आप सोके उठते हो तो सांसें कितनी ध्वनिगत होती है, मतलब एक लय होती है, बहुत धीमे धीमे चलती है। जब आप ब्रश करके बाहर निकलते हो तब सांसें कैसी, खाना खा के सांसें कैसी होती, 1 किलोमीटर दौड़ के आएंगे तो सांसें कैसी होती, एकदम से डर लगा तो सांसें कैसी, प्यार में सांसें कैसे होती हैं और गुस्से में कैसी सांसें होती। इतना तो कम से कम हर व्यक्ति देख ही सकता है अगर वो अपने ऊपर ध्यान। और कोई जो ज्यादा देख सकता है वो देखेगा कि जिनकी सांसों की लय टूट गई है वो पागल हो, जिनकी लय बची हुई है वो ठीक। तो लोगों की सांसों की लय बिगड़ने से पागलपन पर आ जाता है। तो इसके विपरीत भी है कि अगर लोगों की लय ठीक हो जाए तो वो पागल से ठीक हो सकते हैं। वैसी प्रक्रिया कई लोगों ने की और वो पागल हो गए, लेकिन चूंकि मास्टर नहीं था साथ में तो वो वापस नहीं आता। तो ऐसा कई मनोयोग चिकित्सकों के साथ हो जाता है, वो ठीक करने के चक्कर में पेशेंट अपनी हालत खराब कर। खैर ये एक दूसरा ही आया है जो प्रश्न पूछा है कि मल्टीनेशनल के और सरकारी नौकर क्या करें। उसके लिए जरूरी है कि एक जो पावर पैक प्रोग्राम होता है ना कि 1 घंटे आपने शरीर को दे लिए तो आप दिन भर इससे एक्सटेंशन कर सकते हैं। उतना जरूरी हो सकता है कि आप 1 घंटे हाथ पैर को हिला लिए, कहीं दाएं हाथ को, बाएं पैर को उछल कूद लिए, थोड़ी सांसों को इतना लिए कि वो नाभि के नीचे भी पेट को हिला दे, पैंक्रियास को एक्टिवेट कर दे, पैरों की 5 उंगलियां थोड़ी फैल जाए, मोजों में कसीना रहे, जूतों में कसीना रहे, ये स्वाभाविक चीजें हैं और ये करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो दिन भर का अपना आसन ठीक रख सके, बैठने का, बाथरूम जाने का, दोस्तों से बात करने का, इस सब की आसन, फोन उठाने का, फोन करने का, ये आसने अगर ठीक रखेगा
तो वो अपने को स्वस्थ बनाए रख सकता है।